दिल्ली के पंजाबी बाग में बीती रात हुए सड़क हादसे में दो युवकों की मौत हो गई और तीसरा गंभीर रूप से घायल हो गया। पुलिस के मुताबिक तीनों युवक अपनी स्कूटी में सवार होकर पंजाबी बाग अंडरपास से कहीं जा रहे थे कि इसी दौरान उनकी स्कूटी का बैलेंस बिगड़ा और तीनों सड़क पर गिर गए। तीनों जब तक संभल पाते तब तक पीछे से आ रही एक गाड़ी ने उन्हें टक्कर मार दी, जिससे मौके पर ही दो युवकों की मौत हो गई जबकि तीसरे युवक के सर में गंभीर चोटें आई। घायल युवक का इलाज सफदरजंग में करा जा रहा है। अभी तक तीनों युवकों की शिनाख्त नहीं हो पाई।